हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण जांगिर। और आज के इस वीडियो में बेटा मैं आपको 12th क्लास में इंग्लिश जो सब्जेक्ट है ना कंपलसरी, उसमें जो डिलीटेड पार्ट है, मतलब ये है कि COVID-19 पेंडेमिक की वजह से आपके इंग्लिश सब्जेक्ट का जो हिस्सा हटा दिया गया है और उसके बाद में जो रिवाइज्ड सिलेबस बनाया गया है ना, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और यही रिवाइज्ड सिलेबस आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में जो लगने वाला है, उसी में यही सिलेबस आएगा। तो चलिए बेटा, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यदि हम बात करें रेनबो बुक के बारे में, जो कि आपके 25 मार्क्स की आया करती है, तो बेटा उसमें टोटल मिलाकर 16 चैप्टर हैं, जिनमें से चैप्टर नंबर 12 से लेकर और 16 तक ये पोएम का पार्ट है, और बाकी जो चैप्टर नंबर 1 से लेकर और 11 तक ये जो हिस्सा है वो स्टोरी चैप्टर का है। तो यहाँ पर बेटा क्या है कि जो स्टोरी चैप्टर है ना, उसमें चैप्टर नंबर 1, 3, 8 और 11 जो ये आपको रेड स्ट्रिप दिख रही है ना, तो वो सारे चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं। मतलब ये चैप्टर अब आपके एनुअल जो बोर्ड एग्जाम होगी 2021 में, उसमें बिल्कुल भी नहीं आएंगे। यदि हम बात करें पोइम के बारे में, तो बेटा इस पोइम में आपको 13 चैप्टर और 16th वाला जो चैप्टर है अ बॉयज सॉन्ग और द स्नेयर, ये दो पोइम आपके एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो टोटल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि स्टोरी चैप्टर में पहले की तरह ही अब भी आपको 4 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, और एक तरफ जो आपको है 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से आपको एक कंप्लीट करना है। तो इस तरह से ये जो 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनके मार्किंग होगी 8 मार्क्स के, और इसी तरह से जो 2 लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आएंगे, उनमें से आपको एक ही करना है, तो वो जो एक अकेला क्वेश्चन है वो बेटा 7 मार्क्स का होगा। तो कुल मिलाकर 7 और 8 कितने होते हैं, 15। तो ये जो स्टोरी वाला पार्ट है ना रेनबो बुक का, वो टोटल मिलाकर 15 मार्क्स का आएगा। यदि हम पोएम वाले चैप्टर की बात करें, तो इनमें से आपको 2 एक्सट्रैक्ट दे रखे होंगे। एक्सट्रैक्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि पोएम के जो 2 स्टैंजास होंगे वो आपको दे रखे होंगे, उनमें से किसी एक स्टैंजा में आने वाले जो क्वेश्चन है वो आपको करने होंगे। हर क्वेश्चन 2-2 मार्क का होगा, तो इसका मतलब टोटल 2 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल कितने हो गए बेटा यहाँ पे 4 मार्क्स। इसी तरह से आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से 3 क्वेश्चन करने हैं, और इनकी जो मार्किंग होगी वो 6 मार्क्स की होगी, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से 6 एंड 4 टोटल 10 मार्क्स की पोएम हुआ करेगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पोएम के 10 मार्क्स, स्टोरी वाले चैप्टर्स के 15 मार्क्स, टोटल कितने हो गए 25 मार्क्स की रेनबो बुक हुआ करेगी। ध्यान रखिएगा, इनमें से चैप्टर नंबर 1, 3, 8, 11, 13 और 16, ये जो चैप्टर्स हैं वो बिल्कुल हटा दिए गए हैं। तो इसका मतलब आपको इन चैप्टर्स को बिल्कुल भी याद नहीं करना है, इनकी तरफ बिल्कुल भी आपको ध्यान नहीं देना है। यदि हम पैनोरामा बुक की बात करें, तो पहले की तरह ही अब भी पैनोरामा बुक के लिए 15 मार्क्स सिक्योर किए गए हैं, यानी कि यहाँ पर भी आपको जो 4 क्वेश्चन है वो बिल्कुल शॉर्ट टाइप के दिखेंगे, एक क्वेश्चन की मार्किंग होगी 2 मार्क्स, तो टोटल मिलाकर हो गए 8 मार्क्स। इसी तरह से 2 आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको करना है, और वह अकेला प्रश्न बेटा 7 नंबर का होगा। तो टोटल मिलाकर 15 मार्क्स का जो पैनोरामा बुक है वो आपके 2021 वाले बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। और यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, पैनोरामा बुक में टोटल मिलाकर 11 चैप्टर हैं, उनमें से जो 7, 8 और 10 ये 3 चैप्टर हटा दिए गए हैं। तो फिर से मैं कहूंगा, इन चैप्टर्स को याद करके अपना टाइम वेस्ट मत करना। कौन-कौन से चैप्टर? 7, 8 और 10। अब यदि हम बात करें रीडिंग की, जो कि आपके 15 मार्क्स की आया करती है, तो बेटा 2021 में लगने वाला जो एनुअल एग्जाम है, उसमें रीडिंग वाले पार्ट में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। रीडिंग वाले पार्ट में आपको 2 पैसेज देखने को मिलेंगे, इनमें जो फर्स्ट पैसेज है वो 9 मार्क्स का आएगा और सेकंड पैसेज 6 मार्क्स का आएगा। फर्स्ट पैसेज में आपको शॉर्ट आंसर टाइप के जो 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि 6 मार्क्स के होंगे, और इसी के साथ में आपको वोकैबुलरी मतलब शब्दावली भी देखने को मिलेगी, जिसमें आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स यानी कि विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द पूछ सकते हैं, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले जो एक शब्द में आपको आंसर देने होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। यदि हम पैसेज नंबर सेकंड की बात करें, तो ये टोटल 6 मार्क्स का आएगा। यह पैसेज आगे जाकर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसमें आपको जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होगा वो होगा नोट्स मेकिंग का, जो कि 4 मार्क्स का आएगा, और सेकंड वाला जो होगा एब्स्ट्रैक्शन, जिसको कि हम समरी भी बोलते हैं। तो पैसेज को अच्छे तरह से पढ़ के आपको उसकी 4 या 5 सेंटेंसेस में समरी तैयार करनी होगी, और उसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक इसी तरह से यदि हम राइटिंग वाले सेक्शन की बात करें, तो बेटा ये 25 मार्क्स का हुआ करता है। राइटिंग वाला सेक्शन 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फर्स्ट में शॉर्ट कंपोजिशन, सेकंड में रिपोर्ट, थर्ड में लेटर और फोर्थ में लार्ज कंपोजिशन को शामिल किया गया है। शॉर्ट कंपोजिशन में पहले 5 टॉपिक हुआ करते थे, जिसमें एडवर्टीजमेंट, नोटिस, इन्विटेशन, पोस्टर्स,
आर्गुमेंटेशन शामिल है। अब 2021 के लिए जो एनुअल एग्जाम होगा उसमें पोस्टर्स और आर्गुमेंटेशन इन दो टॉपिक को हटा दिया गया है, बाकी जो रिपोर्ट लेटर और जो लार्ज कंपोजिशन है वो सेम ही है। तो यहाँ पर आपको ये सुविधा मिल जाती है कि शॉर्ट कंपोजिशन में अब आपको 5 टॉपिक्स की जगह केवल 3 ही टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर 3 टॉपिक रह गए तो ये जो 4 मार्क्स है वो 3 मार्क्स के हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये 4 मार्क्स पहले 5 टॉपिक के लिए हुआ करते थे, अब जो है ये 3 टॉपिक के लिए ही होंगे। तो उम्मीद है बेटा आपको 2021 में आने वाला जो एनुअल एग्जाम होगा उसमें कंपलसरी इंग्लिश का सिलेबस क्या होगा, कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं और कौन से टॉपिक वैसे के वैसे रख दिए गए हैं अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो बेटा इसे लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना न भूलिए ताकि उनको भी नए रिवाइज्ड सिलेबस के बारे में जानकारी मिले। यदि आप चाहते हैं कि इंग्लिश ग्रामर आपकी बहुत अच्छी हो तो इससे संबंधित सारे जो वीडियोस हैं वो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और हाँ बेटा, इसी तरह के वीडियोस यदि आपको रेगुलर बेसिस पर अपनी स्क्रीन पर चाहिए तो इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।